बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू योर फर्स्ट इंग्लिश सेशन विद मी कनान फातिमा फ्रॉम दारी अरकम स्कूल्स शरकपुर। स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर लेक्चर नंबर वन एंड इन दिस लेक्चर वी विल हैव अ रिवीजन ऑफ वीक नंबर वन। टुडे इज 8 June 2020। दीज आर द कंटेंट्स ऑफ वीक नंबर वन एंड आई हैव डिवाइडेड दिस वीडियो इनटू टू पार्ट्स। इन पार्ट वन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ट्रांसलेशन and the questions related to translation, and in part 2 we will discuss the grammatical concepts of this chapter. Lesson number 1, fair dealing of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But before starting the lesson, the question that comes in our mind is, what is fair dealing? Kya hoti hai fair dealing, and what are the characteristics of a fair trader? To fair dealing ka matlab hai munsifana len den, yani aap अगर किसी से कोई चीज़ ले रहे हो या दे रहे हो इन ट्रेडिंग या बिज़नेस, तो आप उस पर इंसाफ के साथ चलो, आप अपने आप को उसकी जगह पर रख के उसके साथ सलूक करो। तो आज हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जो पहलू पढ़ने जा रहे हैं वो उनकी बिज़नेस और ट्रेड में मुनसिफाना लेन देन है। सो बिफोर स्टार्टिंग आई वॉन्ट टू से एवरी वन ऑफ़ यू दैट यू हैव टू परचेज़ अ डिक्शनरी। डिक्शनरी आप लोगों को चाहिए वर्ड्स के मीनिंग्स तलाश करने के लिए, जिस तरह से मैंने हर एक मुश्किल वर्ड का मीनिंग उसके ऊपर लिख लिया है लेड पेंसिल के साथ, आप भी इसी तरह ट्रांसलेशन करते हुए जो है वो इनके मीनिंग्स लिखेंगे। सो आई विल रीड पैराग्राफ नंबर वन एंड वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस पैराग्राफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ऑलवेज फेयर एंड ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग विद अदर पीपल इवन बिफोर हिज नबूवत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा नबूवत से पहले भी लोगों के साथ अपने लेन देन में मुनसिफाना और ईमानदार थे। ही वॉज़ नाउन एज द ट्रुथफुल एंड ट्रस्ट वर्दी। वो एक सच्चे और काबिल एतमाद इंसान के तौर पर जाने जाते थे। इन हिज यंग एज बिकेम अ ट्रेडर। ही ट्रेडेड विद अदर पीपल्स मनी विद ग्रेट केयर एंड वॉज वेरी सक्सेसफुल। वो अपनी जवां उम्री में ही एक ताजिर बन गए और लोगों के माल के साथ बहुत एहतियात के साथ तिजारत करते, और इसमें वो बहुत ही कामयाब थे। द पीपल ऑफ मक्का वर मच इम्प्रेस्ड बाई हिज ट्रेडिंग स्किल्स एंड फेयर डीलिंग। मक्का के रहने वाले लोग उनकी तिजारती महारतों से और उनकी मुनसिफाना लेन देन से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। They had complete trust in him. उनका मुकम्मल भरोसा था उनके ऊपर। It was his honesty and fair dealing in business that impressed Hazrat Khadija رضی اللہ عنہ. ये उनकी ईमानदारी और कारोबार में उनकी मुनसिफाना लेन देन थी जिसने हज़रत खदीजा को भी मुतासर किया। She first entrusted her enterprise to him and later married him. उन्होंने पहले तो अपना कारोबार उनके सपोर्ट किया और बाद में उनके साथ शादी कर ली। All the people who had done business dealing with him before his nubuwwat had always praised his honesty and fair dealing. जितने भी लोगों ने नबूवत से पहले उनके साथ कोई कारोबारी लेन देन की थी वो हमेशा उनकी अमानतदारी, ईमानदारी और उनकी मुनसिफाना लेन देन की तारीफ करते थे। That is all paragraph number one. In this way, you have to read the paragraphs and translate them. And in this box, you will see a question related to paragraph number one. What impressed the people of Makkah about Rasul, Hazrat Muhammad? And yes, we know the answer. His honesty and fair dealing. Achha ji, students, this is vocabulary, yani zakhira alfaz. Isme aapko milenge synonyms. Business, occupation, trade, industry. These are the three synonyms related to this word. In this way you will have to read this and the questions related to reading for comprehension. इसमें आपने paragraph number वन का जो है वो topic sentence देखना है, यानी कि उस paragraph जिस बारे में है उसका ये topic sentence मैंने यहाँ पर लिख दिया है, fair dealings of हज़रत मोहम्मद। और यहाँ पर आपने कुछ supporting details लिखनी है जो कि paragraph number वन से आपको मिल जाएंगी। Question number टू part B ये है कनेक्टिंग वर्ड्स के बारे में, वो वर्ड्स जो दो सेंटेंसेस को मिलाते हैं विद इन पैराग्राफ नंबर वन। तो अगेन हमें ये तीन लव्स मिले जो कि दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं। देन देयर आर आंसर क्वेश्चंस, दैट इज़ द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट सी। तो आंसर क्वेश्चंस आपके पास हार्ड कॉपीज मौजूद हैं। आंसर क्वेश्चंस जो हैं वो आप हेडिंग्स के साथ करेंगे, हेडिंग्स आपके पास लिखी हुई मौजूद हैं, ठीक है। देन देयर आर ब्लैंक्स, दैट इज़ ऑल वट इज़ रिलेटेड टू ट्रांसलेशन।
एंड देन देर आर डिक्शनरी स्किल्स. डिक्शनरी स्किल्स में आपको बताया गया है कि आपने डिक्शनरी को कैसे स्टडी करना है. इसमें जो टॉप पे जो वर्ड्स लिखे हुए होते हैं वो गाइड वर्ड्स होते हैं, ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी आपको मिल जाएगी. और जो ये वर्ड्स जिनके हम मीनिंग्स फाइंड आउट कर रहे होते हैं वो एंट्री वर्ड्स होते हैं. यहाँ पे ये डिक्शनरी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है जो आपने सॉल्व करना है. नाउ दीज आर द ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स दैट आर डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर. फर्स्ट इज कॉमन नाउन यानी इसम नकरा. देन प्रॉपर नाउन इसम मार्फा. पोजेसिव फॉर्म ऑफ एन एनिमेट नाउन यानी अपोस्ट्रोफी. अपोस्ट्रोफी की आगे तीन कंडीशंस हैं. सिंगुलर नाउन्स के साथ नाउन प्लस अपोस्ट्रोफी ये वाला साइन आता है. देन नाउन्स एंडिंग ऑन एस उसके साथ सिर्फ खाली एस ही हम यूज़ करते हैं, ठीक है. सॉरी खाली जो है ये विदाउट एस जो है हम लोग इसका साइन लगाते हैं. एंड फॉर इरेगुलर प्लूरल नाउन्स वी यूज़ दिस नाउन प्लस अपोस्ट्रोफी एस. देन देर इज़ अ चार्ट आई हैव डिवेल्प फॉर यू. यू कैन हैव द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस पास्ट टेंस, ठीक है. स्टूडेंट्स हियर यू हैव द डेफिनेशन ऑफ कॉमन नाउन यानी इसम नकरा. अ कॉमन नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स पीपल प्लेसेज एंड थिंग्स दैट आर नॉट they are not the names of a single person, place or thing. For example, man, cat, book, school. ठीक है, ये आपने इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करनी है. देन प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन किसी ख़ास इंसान के नाम, किसी ख़ास चीज़, इंसान या जगह के नाम को कहा जाता है. जैसे खदीजा, लाहौर, ये दो एग्जांपल्स दी हुई हैं आपको, ठीक है. ये आपने अकॉर्डिंगली सॉल्व करनी है. देन देर इज़ अ पोजेसिव फॉर्म ऑफ एन एनिमेट नाउन यानी मलकियत. पोजेशन का मतलब होता है मलकियत. यानी अगर आप कहोगे ये मेरी मामा का पर्स है, तो बजाय इसके ये कहने के कि दिस पर्स इज़ बिलोंग्स टू माय मदर और ऐसा कुछ, आप लोग सिंपली क्या करोगे, मदर के साथ ये साइन लगा के मदर्स पर्स, दिस इज़ माय मदर्स पर्स, ठीक है. तो ये हो जाएगी पोजेशन. पोजेशन को शो करने के लिए हमारे पास एक साइन है जिसे हम अपोस्ट्रोफी कहते हैं, ठीक है. अपोस्ट्रोफी की यूज़ करने के लिए तीन जो है हमारे पास कंडीशंस होती हैं. अपोस्ट्रोफी जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले रजिस्टर पे लिखी हुई भी दिखाई हैं. तो अपोस्ट्रोफी विद द सिंगल नाउन्स उसमें हम यही वाले सिंबल को यूज़ करते हैं. एंड विद द वर्ड्स एंडिंग ऑन एस उसके साथ हम सिर्फ और सिर्फ ये कोमा लगा देते हैं, ठीक है. एंड फॉर इरेगुलर प्लूरल नाउन्स. इरेगुलर प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं, आप जैसे चाइल्ड को अगर हम लोगों ने प्लूरल में चेंज करना है तो हम ये नहीं कहेंगे चाइल्ड्स, हम कहेंगे चिल्ड्रन. जैसे ऑक्स को अगर हम लोगों ने प्लूरल में चेंज करना है तो ऑक्सन. जैसे मैन को करना, मैन को करना है तो मैन. दीज आर कॉल्ड इरेगुलर प्लूरल नाउन्स. देन देर इज़ पास्ट टेंस. पास्ट टेंस का अगर आप लोगों ने वो स्क्रीन शॉट ले लिया वो टेबल का, तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू. पास्ट टेंस क्या है. वी डिस्क्राइब एनी पास्ट इवेंट और इंसिडेंट इन सिंपल पास्ट टेंस. फॉर एग्जाम्पल अटेंड, वेंट, बिकेम, कॉट. वी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. दिस स्टोरी इज़ अ बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पास्ट टेंस. ये सारी की सारी स्टोरी पास्ट टेंस में लिखी हुई है. और आपको पता है कि जब हम पास्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं इन सिंपल सेंटेंसेस. इन दिस वे देर इज़ ऑल्सो अ फार्मूला फॉर मेकिंग द नेगेटिव एंड फॉर मेकिंग द पोजेसिव फॉर्म, फॉर मेकिंग द इंट्रोगेटिव फॉर्म, सॉरी, ठीक है. और इसके बाद आपके पास है दिस कैपिटलाइज एंड पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इन दिस वे यू हैव टू कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड एंड पंचुएट दैम. इफ़ देर इज़ अ क्वेश्चन यू विल पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड. और अगर किसी में कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो की हुई है, जैसे कि ये इट्स अ ग्रेट न्यूज़, तो यहाँ पर हम एक साइन यूज सिंबल यूज़ करेंगे, उसे कहा जाता है एक्सक्लेमेशन, ठीक है. अब देखो यहाँ पे है एक और डेफिनेशन. अ रेगुलर वर्ब हैज़ ई डी एंडिंग. जैसे कि अटेन को अगर हम लोगों ने सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम सिंपली उसे ई डी लगा के अटेन बना देंगे. बट कुछ और वर्ब्स भी होती हैं जिनको हम ई डी लगा के उनकी सेकेंड फॉर्म नहीं बना सकते. जैसे बाय. बाय यानी ख़रीदना. इसकी सेकेंड फॉर्म है बाउट. तो इसको अब हमने बाय के साथ ई डी नहीं लगाया, ठीक है. तो ये इरेगुलर वर्ब है. इसी तरह मैंने दो एग्जांपल्स यहाँ लिखी हुई हैं. गो, वेंट, गॉन. देखो गो के साथ अगली जो सेकेंड फॉर्म है बिल्कुल चेंज है. वेंट और थर्ड उससे भी ज़्यादा.